हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ईवी मेनिया इनोवेशंस में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्रोटल्स की, जानेंगे कि थ्रोटल्स कितने टाइप के आते हैं और ये कैसे काम करते हैं और ये हमारे देश में किस किस रेट पर अवेलेबल हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये जो थ्रोटल दिख रहे हैं, चार टाइप के थ्रोटल दिख रहे हैं, इनमें से तीन हैंड थ्रोटल है और एक फुट थ्रोटल है। बात करते हैं सबसे पहले सबसे बेसिक थ्रोटल की। इसमें आपको सिंगल एक कनेक्टर दिख रहा है और ये इसका जो फंक्शन है खाली थ्रोटलिंग फंक्शन के साथ ही आता है। यहाँ पर आपको थ्री वायर दिखेंगे, ब्लैक, रेड और वाइट। जो ब्लैक है वो ग्राउंड वायर है, रेड जो है 5 वोल्ट सप्लाई रहता है और जो वाइट है वो यहाँ पर काम करता है थ्रोटलिंग का। तो सबसे बेसिक थ्रोटल है, इसमें खाली थ्रोटलिंग फंक्शन आपको मिलता है और इसके जो हमारे देश में जो लोकल मार्केट में रेट होते हैं ये 150 से लेकर 180 रुपये तक जा सकते हैं, किस क्वालिटी का और किस जगह से आप ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद अगेन एक और हैंड थ्रोटल की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इस वाले हैंड थ्रोटल में डिफरेंस है कि आपको दो कनेक्टर दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़े कनेक्टर की, जिसमें कि 3 पिन कनेक्टर की, और यहाँ पर आपको तीन वायर दिखेंगे। सबसे पहला है आपका रेड, ग्रीन, सेकेंड और लास्ट में ब्लैक। अगेन रेड जो है 5 वोल्ट सप्लाई है, नॉर्मली 5 वोल्ट सप्लाई बोलते हैं, ये 4.2 वोल्ट भी हो सकता है। ये रेड हो गया, फिर अगेन ग्रीन जो है थ्रोटलिंग का है और ब्लैक फिर ग्राउंड वायर सप्लाई है। अगला जो कनेक्टर है फॉरवर्ड रिवर्स का है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉरवर्ड रिवर्स के कनेक्शंस में खाली आपको ये करना होता है, शॉर्ट करना रहता है, जैसे आप शॉर्ट करेंगे रिवर्स हो जाएगा और ओपन कंडीशन में फॉरवर्ड होगी गाड़ी। ये स्विच है इसका फॉरवर्ड रिवर्स का। तो इस थ्रोटल में आपको दो फंक्शन मिल जाते हैं, थ्रोटलिंग का और फॉरवर्ड रिवर्स का, और दो कनेक्टर है। इसका जो मार्केट में प्राइस होता है वो जाता है आपका 200 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में। और ये तीसरा वाला जो कनेक्टर है, ये देखिए इसमें आपको दो स्विच मिल जाते हैं, एक जो स्विच होता है फॉरवर्ड रिवर्स के लिए होता है और एक स्विच होता है सिलेक्टर स्विच थ्री स्पीड के लिए होता है। जो ऊपर है आपका फॉरवर्ड रिवर्स का, ये देखिए फॉरवर्ड रिवर्स। अब बात कर लेते हैं नीचे वाले स्विच की। तो नीचे में आपको थ्री ऑप्शन में थ्री स्विच है, ये थ्री पोजिशन वाला स्विच है। यहाँ पर आपको सबसे पहला लो स्पीड, बीच में मीडियम और लास्ट में हाई स्पीड का सिलेक्शन मिल जाता है। तो ये हो गया दो स्विच के साथ। और इसमें आपको जो कनेक्टर होते हैं वो तीन कनेक्टर होते हैं, ये देखिए तीन कनेक्टर हैं। सबसे पहला जो कनेक्टर होता है वो अगेन थ्रोटलिंग के लिए होता है। इसमें आपको देखिए मैं आपको वायर का कलर दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए हमेशा इजी हो। ब्लैक और रेड जो होता है थ्रोटल में, यहाँ पर आपको देखिए ग्रीन है, रेड है और ब्लैक है। तो जो ग्रीन है वो थ्रोटलिंग के लिए, रेड अगेन ग्राउंड वायर सप्लाई है और जो ब्लैक है वो ब्लैक जो है ग्राउंड वाला है और रेड जो है 5 वोल्ट सप्लाई है। ये जो है अगला वाला थ्रोटल, ये कनेक्टर, ये थ्री स्पीड के लिए है। यहाँ पर थ्री स्पीड का दिख जाएगा। थ्री स्पीड के लिए कोई कनेक्शन कलर कोडिंग का कोई वो नहीं होता है, लेकिन और ये जो है ये आपका फॉरवर्ड रिवर्स का हो गया। थ्रोटल के केस में अगेन बता दूं, ब्लैक, ग्राउंड, रेड 5 वोल्ट या 4.2 वोल्ट और जो उसके बाद जो थ्रोटलिंग के लिए वायर हो सकते हैं वो ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, वाइट हो सकता है। ये देखिए इसमें आपको तीन मिल जाते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स, थ्री स्पीड और थ्रोटलिंग, तीन फंक्शन मिल जाते हैं। इसका जो मार्केट प्राइस है ये थोड़ा सा महंगा रहता है, ये आपका 300 रुपये से स्टार्ट होकर 400-450 रुपये तक जा सकता है, डिपेंड करता है किस क्वालिटी का है। अगला वाला जो थ्रोटल है, ये है हमारी थ्रोटल जो कि हम लोग कार में यूज़ करते हैं या आप लोडिंग व्हीकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंगल कनेक्टर आता है और इसके वायर की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको ब्लैक मिलेगा, येलो और रेड। अगेन जो ब्लैक है ग्राउंड है, येलो जो है वो हमारा थ्रोटलिंग वायर है और रेड जो है वो हमारा 5 वोल्ट सप्लाई है। ये फुट थ्रोटल हो गया। फुट थ्रोटल महंगे आते हैं, ये आपके 1300-1400 रुपये से स्टार्ट होकर 2000-2200 रुपये तक जा सकते हैं। अगेन क्वालिटी पे डिपेंड करता है किस जगह से आप ले रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ चार टाइप के थ्रोटल्स की बात कर ली है जो कि हमारे यहाँ चारों टाइप के अवेलेबल होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि थ्रोटल्स काम कैसे करते हैं। थ्रोटल की फंक्शनिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सप्लाई को, कि थ्रोटल में सप्लाई कितने वोल्ट की आती है। और यहाँ पर मैंने थ्रोटल के कनेक्शन किए हुए हैं कंट्रोलर के साथ और उसमें सप्लाई दी हुई है, ये देखिए। और मैं इसमें वोल्टेज चेक करता हूँ। देखिए मैंने रेड में लगाया है और ब्लैक में लगाया है, यानी कि ग्राउंड में और रेड में। यहाँ पर आपको 4.34 वोल्ट दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो 4.2 से लेकर 5 वोल्ट जो सप्लाई रहती है उतनी ही सप्लाई आ रही है। यहाँ पर देखिए मैंने जैसा बताया था कि रेड वाले में 5 वोल्ट सप्लाई रहती है, वो आपको दिख जाएगा कि 4.34 सप्लाई हमारे रेड वाले में आती है। अब थ्रोटलिंग के फंक्शन को समझने के लिए मैंने पूरा सर्किट बनाया है। सबसे पहले बैटरी लगाई है और पावर देने के लिए, उसके साथ कंट्रोलर कनेक्ट किया हुआ है और एक मोटर लगाई है सर्किट में, ताकि मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ये देखिए ये कनेक्टर लगाया हुआ है,
पावर सप्लाई के लिए, और ये मैंने थ्रोटल के कनेक्शन जो किए हुए उसमें किए हुए हैं, और यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर के वायर कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पर आप देखें मैंने जो मल्टीमीटर के वायर कनेक्ट किए हुए, वो एक वायर कनेक्ट किया मैंने ब्लैक के साथ ग्राउंड वायर, और दूसरा मैंने ग्रीन कनेक्टर के साथ किया हुआ है, जिससे कि मेरे को थ्रोटलिंग में मेरे को वोल्ट सप्लाई दिखेगा। हालांकि थोड़ा सा देखने में आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, मैं फिर से बता दूँ, जो ग्रीन है थ्रोटलिंग वायर के साथ एक कनेक्ट किया हुआ, और एक ग्राउंड वायर के साथ मैंने मल्टीमीटर का वायर कनेक्ट किया हुआ है, जिससे मेरे को थ्रोटलिंग एक्शन दिखेगा। अब हम लोग ये देखिए, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, एक ग्रीन के साथ कनेक्टेड है और एक ब्लैक के साथ है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने लोकलाइज कनेक्शन किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आए देखने में आप लोगों को। अब हम लोगों ने दो वायर कनेक्ट कर दिए हैं, रेड वाले को नहीं टच किया है। हम लोग खाली ये देखेंगे कि थ्रोटल, जब हम लोग थ्रोटलिंग करते हैं तब हमारी कंट्रोलर में कितना पावर सप्लाई होता है। और यहाँ पर अभी आप देखिए, इस कंडीशन में हमारा जो पावर सप्लाई ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, क्योंकि अभी कोई थ्रोटलिंग एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए अभी जीरो पावर सप्लाई जा रहा है। और अभी हमने थ्रोटलिंग और ग्राउंड वायर को, अब मैंने यहाँ पावर सप्लाई देना चालू किया, थ्रोटल पुश करना चालू किया है। अब देखिए, अब हम लोग इस सर्किट को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। अब मैंने पावर सप्लाई बढ़ाया है, जैसे जैसे मैं थ्रोटलिंग कर रहा हूँ, देखिए वैसे वैसे मेरा मल्टीमीटर में रीडिंग बढ़ रही है। अब मैं हमारे फुट थ्रोटल को प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर रेटिंग आ गई 1.6, और मैं ज़्यादा पुश करता हूँ 1.7, 1.8, यानी कि जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, तो ये जो बेसिकली थ्रोटल है एक तरह से पोटेंशियोमीटर का काम करता है, और उसमें जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रही है ग्रीन वाले वायर में। और यहाँ पर अब मैंने ज़्यादा प्रेस कर दिया है थ्रोटल को, तो यहाँ पर 3.4, 3.5 की सप्लाई आ गई है, मैक्सिमम 3.5 की सप्लाई मैंने रिकॉर्ड की है। तो अब मैं धीरे धीरे इस थ्रोटल को छोड़ता हूँ, तो यहाँ पर मेरी सप्लाई डाउन होना चालू हो जाती है, यानी कि प्योरली एक पोटेंशियोमीटर की तरह काम करता है थ्रोटल। जैसे ही आप प्रेस करते हैं वैसे वैसे आपको फुल सप्लाई मिलती है वोल्ट की, और जैसे ही आप छोड़ते हैं आपकी सप्लाई जीरो हो जाती है। मैंने अभी थ्रोटल को छोड़ दिया, अब देखिए मैंने सप्लाई प्रेस करना चालू किया, तो यहाँ पर जो है 1.6 हो गया। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने प्रेस कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा क्लोज व्यू में ला के प्रेस करता हूँ। अब मैं जैसे जैसे प्रेस कर रहा हूँ थ्रोटल को, वैसे वैसे मेरी सप्लाई बढ़ रही है, और मेरी मोटर का जो RPM है वो भी बढ़ रहा है। अभी जो सप्लाई है 2.3, 2.5 तक पहुंच गई है, 3.4 की हो गई है, और मेरी मोटर, इसका मतलब है कि मेरी मोटर फुल RPM पर रोटेट कर रही है, और जो ये कनेक्शन है पोटेंशियोमीटर और ग्राउंड वायर के बीच में है। तो अब आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कैसे हमारा जो थ्रोटल है एज अ पोटेंशियोमीटर काम करता है, और जैसे ही हम लोग थ्रोटल प्रेस करते हैं वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जाती है, वोल्ट बढ़ता है, और मोटर का जो स्पीड है वो बढ़ता है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और थोड़ा सा सिंपल तरीके से इसको बताता हूँ। देखिए अभी मैंने यहाँ पर वायर टच कर रहा हूँ येलो और ब्लैक में, यानी कि पोटेंशियोमीटर और ग्राउंड वायर सप्लाई में, तो यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ रही है, 0.83 के आसपास आ रही है, अभी कोई सप्लाई नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं एक्सीलेटर को दबाता हूँ वैसे वैसे पोटेंशियोमीटर में सप्लाई बढ़ती जाती है, और जब मैं फुल थ्रोटल कर देता हूँ, मैं फिर से बढ़ाता हूँ, जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ फुल थ्रोटलिंग दे देता हूँ, तो पोटेंशियोमीटर की तो जो मेरी थ्रोटलिंग के में सप्लाई जा रही है वो जा रही है 3.5 वोल्ट तक ही चली जाती है, और जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो अगेन ये जीरो के आसपास आ जाती है। तो बेसिकली जो थ्रोटल होता है वो एज अ पोटेंशियोमीटर काम करता है।